देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, हिट एंड रन यानी ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल खत्म होते ही जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। परिवहन सेवा फिर से गति पकड़ रही है और डीजल पेट्रोल से लेकर दूध सब्जी की आपूर्ति सामान्य हो चली है और सिटी बस भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन देशव्यापी ट्रक बस चालक हड़ताल पर थे। ये हड़ताल दो दिन चली, उसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के बीच हुई बातचीत के बाद हड़ताल खत्म होने का ऐलान किया। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद बुधवार को जनजीवन सामान्य हो गया, बसों के पहिए चल पड़े, वहीं सड़कों पर खड़े ट्रक भी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होने लगे। देश भर के कई राज्यों में हड़ताल खत्म होने के साथ ही परिवहन सेवा सुधार आया तो जरूरी सामान की आपूर्ति भी शुरू हो गई। मंडियों में फल और सब्जी पहुंचने लगे, वहीं दूध की भी आपूर्ति सामान्य हो चली, पेट्रोल व डीजल की स्थिति सामान्य होते चली। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते स्कूली बस भी बच्चों को स्कूल नहीं ले जा पा रही थी, मगर हड़ताल के खत्म होने के बाद आज स्कूल में भी छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई। स्कूली बच्चे बस को लाने के लिए उनको घर तक पहुंचती है। ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल ने दो दिन जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के खत्म होने के चलते परिवहन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसी के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हुई। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद रात को ड्राइवर की हड़ताल समाप्त हो गई। और इधर इससे पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस परिवहन समिति ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मीटिंग में उन्होंने कहा है, नया कानून अभी लागू नहीं हुआ, कानून लागू करने से पहले समिति के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।